आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी बताऊंगा जो कॉडल रिग्रेशन सिंड्रोम नामक खतरनाक बीमारी के साथ पैदा हुआ। यह एक दुर्लभ और भयानक बीमारी है जिससे रीढ़ की हड्डी से निचले हिस्से की ग्रोथ रुक जाती है। मैं बात कर रहा हूं गनीम अल मुफ्ता की, जो हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के एम्बेसडर बने हैं। दोस्तों, यह कहानी जरूर आपकी हिम्मत बढ़ाएगी और फ्यूचर में एक कामयाब इंसान बनने के लिए प्रेरणा देगी। अल मुफ्ता को डॉक्टर्स ने कहा था कि यह 15 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगा, मगर अल मुफ्ता की हिम्मत, दिलेरी और सपनों ने इसे झूठ साबित कर दिया और आज वे 20 साल के हो चुके हैं। कॉडल रिग्रेशन सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिससे शरीर के निचले हिस्से का विकास नहीं हो पाता है। वे चलने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं और इतनी कम उम्र में काफी तेजी के साथ कई मकाम हासिल कर चुके हैं। उनका जीवन चुनौतियों से भरा है, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, इसीलिए वो लोगों के लिए एक प्रेरक बन चुके हैं। उनकी माँ ने बड़ी मुश्किल से उन्हें एक स्कूल में एडमिशन दिलाया, क्योंकि कई स्कूल उन्हें एडमिशन देने के लिए तैयार नहीं थे। अल मुफ्ता का जन्म 5 मई 2002 को कतर के दोहा अल खैर में हुआ था। अभी वह पॉलिटिकल साइंस में डिग्री की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं और उनका सपना है कि वो फ्यूचर में एक राजनेता बने। अल मुफ्ता ने अपनी लाइफ में हारने की बजाय चुनौतियों का सामना किया और एक एक्सेप्शनल मोटिवेशनल पर्सनैलिटी बन गए। अल मुफ्ता ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ओपनिंग सेरेमनी में हॉलीवुड के सुपरस्टार मॉर्गन फ्रीमैन के साथ मंच शेयर किया और लाखों लोगों का दिल जीत लिया। अल मुफ्ता एक सोशल मीडिया स्टार भी हैं। टिकटॉक पर उनके 7 मिलियन फॉलोवर्स हैं, इंस्टाग्राम पर 3.5 मिलियन और यूट्यूब पर भी लगभग 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। ये स्कूबा डाइविंग, स्केटबोर्डिंग और रॉक क्लाइंबिंग जैसे चैलेंजिंग खेलों में भी हिस्सा लेते रहते हैं और वे एक पैरा ओलंपियन बनने की इच्छा भी रखते हैं। एक तरफ हम हैं कि सुस्ती हमारा पीछा नहीं छोड़ती, कहीं से दिन का 100-200 कमा लिया तो पैर जमीन पर नहीं लगते और मौत को तो बिल्कुल ही भुला बैठे हैं, जैसे कभी मरना ही नहीं है। और दूसरी तरफ अल मुफ्ता, एक तो वो हैंडीकैप्ड हैं और ऊपर से डॉक्टर का वो कहना कि आप 15 साल से ज्यादा नहीं जी पाओगे, फिर भी वो मेहनत करते जा रहे हैं और कामयाबी हासिल करते जा रहे हैं। ये कहानी बताने का मेरा सिर्फ यही उद्देश्य था कि जिंदगी में कामयाब होने का एक ही फार्मूला है और वो ये है कि जो भी करना है आज ही कर लो, जिंदगी का क्या भरोसा कल हो ना हो। और जो नए व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।